महिला ने लगाया नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म करने का आरोप। अभियो पंजीकृत जनपद कुशीनगर थाना क्षेत्र हाटा कोतवाली निवासी ने एक युवती ने गोरखपुर निवासी एक विशेष वर्ग के युवक पर नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए प्रभारी निरीक्षक को लिखित तहरीर दी कि युवती का कहना है कि आरोपी इमरान उर्फ सोनू शुक्ला से मुलाकात जागरण मंच पे हुई, हमसे दोस्ती कर अपने रूम पर बुलाया, चाय में नशीला पदार्थ पिलाकर मेरे साथ बलात्कार किया, उसका वीडियो भी बनाया, उसी को आधार बनाकर मेरा शारीरिक शोषण करता रहा। इस संबंध में क्या कहते हैं अपर पुलिस अधीक्षक अयोध्या प्रसाद सिंह, सुने उनकी जुबानी। मेरा प्रशासन से ये आग्रह है कि मुझे न्याय दिलाया जाए। जनपद कुशीनगर के हाटा थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती के द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि वो विगत 5 वर्षों से जनपद गोरखपुर में रह करके भजन एवं जागरण का कार्य करती थी। उसी ग्रुप में गोरखपुर के रहने वाले एक युवक से उसकी दोस्ती हो गई जो उसी ग्रुप में काम करता था। लड़की का कहना ये है कि उक्त युवक के द्वारा उसको जहरी नशीला पदार्थ खिला करके उसके साथ बलात्कार की घटना कारित की गई तथा उसको फोटो एवं वीडियो बना लिया गया। उक्त फोटो एवं वीडियो को वायरल करने की धमकी दे करके उसको ब्लैकमेल किया जाता रहा और कई बार उसे शारीरिक संबंध बनाया गया। बाद में उक्त युवती को जानकारी हुई कि वो लड़का दूसरे संप्रदाय का है। उक्त युवक के द्वारा लड़की से मारपीट भी की गई और फोटो एवं वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई। उक्त घटना के संबंध में लड़की के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर तत्काल थाना हाटा पे संबंधित धाराओं में उक्त आरोपी के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है एवं आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया रामू द्विवेदी उर्फ संजीव द्विवेदी तथा इनके 3 सहभियुक्तों कुणाल मल, बजरंगी तिवारी और मनीष मिश्रा, इनकी आज देवरिया पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की गई है। ये अभियुक्त 2 भिन्न भिन्न मुकदमों में वांटेड चल रहे थे, एक्सटॉर्शन से संबंधित और फायरिंग से संबंधित मुकदमों में वांटेड चल रहे हैं और इसमें आज स्थानीय पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी की है। गिरफ्तारी करके इन अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई कराई जा रही है।